नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज ऑनडिसन ड्रॉप्स के बारे में। दोस्तों ये ऑनडिसन ड्रॉप्स किस काम में आता है हम आज आपको बताएंगे, और हम आपको बताएंगे कि इसकी कंपनी क्या है, इसका पूरा साल्ट क्या होता है और ये किस बीमारी में दिया जाता है। दोस्तों आज हम आपको ऑनडिसन ड्रॉप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से देंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे आप कौन सा मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज ड्रॉप के वीडियो को। तो इसका नाम है ऑनडिसन ड्रॉप, और सबसे पहले बात करते हैं इसके साल्ट की। यह है ऑनडिसन ड्रॉप, ऑनडिसन ओरल सॉल्यूशन। और दोस्तों इसकी जो एमआरपी है हम आपको पहले वो दिखा देते हैं। इसकी एमआरपी आती है ये 38 रुपीस, और इसकी जो एक्सपायरी है वो है जनवरी 2024। ये 2024 तक चलने वाला है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है जब ये बना है वो डेट है फरवरी 2022। तो दोस्तों हम लोग जब कोई मेडिसिन ख़रीदते हैं तो उसकी सबसे पहले एमआरपी देखते हैं, और हमें दोस्तों एमआरपी के साथ साथ एक्सपायरी भी ज़रूर देख लेनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इसकी कंपनी की, तो ये सैन ऑफ लैब्स की आती है। दोस्तों ये सैन ऑफ लैब्स कंपनी की ड्रॉप है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की, तो इसका जो साल्ट है वो ऑनडिसन है, और इसके अंदर ऑनडिसन 2 mg आता है केवल। दोस्तों ये इसके अंदर इसकी ड्रॉप निकलती है, ये 30 ml की है। और सबसे पहले अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके काम की। तो ये दोस्तों हाथ उल्टी के लिए ड्रॉप आता है, छोटे बच्चों को, जिन लोगों को उल्टी आ रही है उल्टी के लिए ये ड्रॉप आता है। और दोस्तों हम जो वीडियो बना रहे हैं हम बना रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि अगर आपके घर पे ये ड्रॉप रखा हुआ है और आपको पता नहीं है कि किस चीज़ का है, तो आप अगर YouTube पे खोजें तो आपको पता चल जाए कि ये उल्टी का ड्रॉप है दोस्तों। और अगर आपके घर में रखा है और किसी बच्चे को रात बिरात में उल्टी हो रही है तो आप इसे दे सकते हैं। बच्चा दूध पलटता है या उल्टी आ रही है तब इसे दिया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों जो इसकी डोज है वो डोज चिकित्सक अपने हिसाब से बताते हैं, एज के हिसाब से कि बच्चे की एज कितनी है और उसका वेट कितना है, और तीसरा उसकी प्रॉब्लम कितनी है, उसको उल्टी कितनी हो रही, उस हिसाब से जो इसकी मात्रा है डोज है वो दी जाती है दोस्तों। लगभग 5 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml की डोज लेने के लिए चिकित्सक कहते हैं दोस्तों। तो जो इसका इस्तेमाल है वो आप चिकित्सक की देख रेख में करें तो ही अच्छा है, क्योंकि एलोपैथिक दवाई का जो इस्तेमाल है वो चिकित्सक की देख रेख में ही होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।